শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়তে গৌরী গোষ্ঠীপতি বন্দে গুরুপদ্বন্দ্বিদম্বিত শ্রীচৈতন্য প্রভু বন্দে নিতোদিত से नंदनंदन बंदेराधिकार चरणोद गोपीजन सामुक्त बिंदव मनोहर <coughs> <coughs> वंछाकृपा सिंधु पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम

তেথা পদম শিব বিচন শরণ ভেতুত বন্দে মহাপুষতে চারুণারুবৃন্দ ইয় পাদবনখন্দমিছা বিসুজিত কিমপি গোপবধু শুভর্শি पूर्णानुराग रसागर सारूर्ति साराधिकाय कदम कृपा श्री श्रीकृष्ण चैतन्य श्री गाधर शिव सदी गौरभक्तंदुुनतानंद সেহত গা ধর শিবসদি গৌরভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রে রাম 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 হরে আজানুলিতভুজ কনক বতো সংকীর্তনৈকিত কমলা পালো বন্দে জগৎ প্রিয়কর করুণাভার হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ

ਬੰਦੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰੀਅ ਕਰੋ ਕਰੁਣਾ ਬਖਤਾਰੋ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 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 ਹਰੇ 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 ਰਾਮ ਹਰੇ ਰਾਮ 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 ਹਰੇ नमामि गङ्गे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिवरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि भावानुरूपेण सदा नरनम्

लक्ष्मीजस्सी यस्ते हृदय संविदृंगमह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, 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 राम नमो महाबदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णा कृष्ण चैतन्यनामें गौरतीशे नम नमो महाबदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णा कृष्ण चैतन्यना गौरतिश नम गौगोष्ठीपति सिसिल वक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भोपाल परम से जी ने बताया जे ये जो श्री कृष्ण चैतन्य अवधार ये गोस्वामी का बा ये गोस्वामी के द्वारा ये गोस्वामी के द्वारा लिखित एक श्लोक को उच्चारण करते हुए पौपात कहते हैं ये रूपगोस्मी बात नमन करते हैं नमो किसको नमन कर रहे हैं जो महाबदान्य जिसका बदान्यता का कोई सीमा नहीं बदान्न मने, जिसका कृपा का दयालु कृपालु है जिसका बदान्यो जिसका दान का सीमा कुछ नहीं है ये महाबदान्यो इसको हाइनेस भी बोला जाता है महानुभवता महाबान्यता कई सारे भाषा के द्वारा वर्णित किया जा सकता है तो रूप प्रोपाद प्रोपात कह रहे हैं रूपगोस्म पाद प्रणाम के द्वारा गौरांग महाप्रभु का जो स्वरूप है इसको खुलासा कर रहे हैं ये जो गुप्त रहस्य है ये जो गुप्त रहस्य है चैतन्य महाप्रभु का अवतार का चैतन्य महाप्रभु का अवदान का दया का इसका खुलासा कर रहा है सिलडुपु लड़ूपों को कैसे न नमो महाबदान मैं नमन कर रहा हूँ वो महाबदानो प्रभु का जो महाबदानो किसलिए बोला है न कृष्ण प्रेम प्रदाय थे अनंत ब्रह्मांड में प्राकृत या अप्राकृत अनंत ब्रह्मांड में प्राकृत हो और अप्राकृत हो सबसे बड़ा अनमोल संपत्ति है कृष्ण प्रेम ये तमाम शास्त्रों का निचोर है तमाम शास्त्रों में ये स्वीकार किया गया कृष्ण प्रेम सबसे बड़ा अनमोल संपत्ति है बाकी जो संपत्ति हमारा ज़िंदगी में है घर बार रुपया पैसा जायदाद जो कुछ भी है ये तो वास्तविक हमारा प्रॉपर्टी नहीं है हमारा प्रॉपर्टी नहीं है मतलब हमारा आत्मा का कोई प्रॉपर्टी नहीं है आत्मा का ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है ये जड़ शरीर और मन के द्वारा जड़ जगत का जितना सारे संपत्ति है वैभव है इसको भोगा जा सकता है और मैं मेरा बोल के अभिमान भी पैदा होता है ये स्वाभाविक है लेकिन ये संपत्ति का साथ तालुकात है ये जड़ शरीर और जड़ मन का आत्मा का साथ ये संपत्ति का कोई तालुकात है नहीं आत्मा का संपत्ति है कृष्ण प्रेम आत्मा का एकमात्र तो संपत्ति है कृष्ण प्रेम और कुछ नहीं यही अनमोल संपत्ति है रूप को बात दंडवत प्रणाम कर रहे हैं नमो नायो क्यों महाबदानो बताया गया कि सबसे अनमोल संपत्ति जो मिलता ही नहीं अनंत ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं का भी सुदूर लाभ है एक कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हुए हैं महाप्रभु और ये कृष्ण ही है कृष्णायों मैं जो नमन कर रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु लेकिन ये कृष्ण ही है कृष्णायों कृष्ण चैतन्य नाम ने जो कृष्ण ही है जिसका नाम जिसका नाम कृष्ण चैतन्य रखा गया नित्य है फिर भी ये नाम नित्य है ही है फिर भी जो स्वयं कृष्ण है लेकिन वर्तमान श्री कृष्ण चैतन्य नाम के द्वारा हमारा सामने परिचित है ऑफकोर्स शास्त्रों में ये तो नित्य है ये नाम आज का नहीं है नित्य है नित्य विराजमान तो नमो महावधन कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णायों कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरोतीशे नमः गौरोशे नमः तिशा मतलब अंगका गौरवत्तीशे नमः जो ही हैं लेकिन अपना जो शरीर का अपना जो शरीर है ये थोड़ा छुपा के आए हैं है तो कृष्ण है कृष्ण वर्णम तिशाव कृष्णम संग पंग अस्तु पर्षदम इत्यादि श्लोकों का विचार होते रहेगा दिन पे दिन धीरे धीरे होते रहेगा यहाँ ये तो साफा बताया गया एकदम पूरे एकदम क्लियर है जो अपना शरीर का जो वरण है कृष्ण वरण कृष्णों का वरण कृष्ण है ये कृष्ण वरण को छुपाकर कर श्रीमती राधा रानी दयामयी का कांति बाहर में दिखाई पड़ता है गोल्डन कृष्ण कृष्णवर्णम तिशा कृष्ण वर्णम तिशा अकिष्णम कृष्ण वर्णम ये सब जो श्लोक है इसका विश्वनाथ चौक व्याख्या किया और गुरुवर्गो ने व्याख्या किया इसमें दो तीन किस्म का व्याख्या है बहुत जो कृष्णों को वर्णन कर रहे हैं हर वक्त जो कृष्ण 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 कह रहे हैं कृष्ण वर्णते कृष्ण वर्णम कृष्ण वर्णम तिशा और किष्णम जो कृष्णों को निरंतर वर्णन कर रहे हैं जो स्वयं कृष्ण है जो स्वयं कृष्ण हैं लेकिन कृष्णों का नाम गुण हर कीर्तन कर रहा है कृष्णो कृष्ण वर्णम लेकिन तिश्वा अंग कांति और अकृष्ण में नहीं कृष्ण मिन ब्लैक कृष्ण मिन काला और कृष्ण मेन नॉट ब्लैक अकृष्ण मिन नॉट ब्लैक नॉट ब्लैक मिन गोल्डन कॉम्प्लेक्शन तो महाप्रभु को प्रमाण महाप्रभु को प्रणाम करते समय हमारा श्री रूपों को सं महाबान अवतार का स्वरूप को उद्घाटन करके दिखाया पूरा पोल पट्टी खोल के दिखाया वो तो छुप छुपा के आए महाप्रभु इसलिए खोल के बताया ये स्वरूप है इसका काम ये है और अपने को छुपा के आए हैं किश्नों ये है दुनिया का आदमी मेटेरियल डोनेशन का बारे में बहुत जानकारी रखने वाले जितना सारे मेटेरियल प्रॉफिट होगा जड़ जगत का जितना प्रॉफ़िट एंड लॉस इसका बारे में बहुत सारे होशियार है जड़ जगत का आदमी प्राकृत जगत का जितना सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें बारे में बड़ा होशियार है बड़ा होशियार है लेकिन मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आत्मा का संपत्ति एकमात्र कृष्ण प्रेम है और बॉडी और बॉडी रिलेटेड जो कुछ संपत्ति जो कुछ भी है इसका कुछ रियालिटी नहीं है आज है काल नहीं है आज है ये प्रॉपर्टी काल नहीं है आज राजा है काल भिखारी है मैंने देखा है एक बड़ा राजा है बहुत बड़ा राजा थे दो दिन के अंदर वो भिखारी बन गया बहुत सारे एग्जाम्पल है बहुत सारे प्रमाण हैं राजा था लेकिन आज पूरा भिकारी लूट गया कुछ नहीं है ऐसा बहुत सारे प्रमाण है इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टार पोजीशन अपना तकदीर का खेल है अपना जो नसीब है तकदीर है एक तकदीर का खेल है आज जो राजा है कल फकीर है और चैतन्य चर्चामितों में इस बारे में खुलासा किया गया जरूर कभी राजा कभी जीवात्मा कभी ऊपर जा रहे कभी राजा हुआ कभी प्रजा हुआ कभी देवता बन गया कभी और ऊपर गया फिर नीचे गिर गया ऐसा तो चलते रहते हैं ऐसा कोई चलते ही रहते हैं लेकिन फिर भी हम लोगों को अकल नहीं होता अकेल नहीं होता समय में नहीं आता ये दो दिन का चीज है लेकिन कीर्तन का समय में तो बोलना बहुत इजी है, है? मुट्ठी बंद के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा क्या लिखा तू आया जग में क्या लिखा तू जाएगा ये बोलना बहुत आसान है ये बोलना बहुत आसान है लेकिन अपना अनुभव में उतारना बहुत मुश्किल है अपना अनुभव में उतारना इतना कठिन है कि मत पूछो जड़ जगत का दान दक्षिणा का बारे में बहुत सारे बहुत सारे विचार बनता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है बहुत सारे लेकिन ये सब दानों में परिपूर्णता नहीं है एनी डोनेशन यू आर गेटिंग हैविंग नो नो क्लियरिटी एंड नो परफेक्शन नॉट कम्प्लीट किसी भी दान लेने का बाद आज दान ले लिया काल फिर अभाव हो गया किसी दान किसी ने अन्नदान किया आज भूखा है बहुत भरपेट खा लिया लेकिन काल फिर भूख लगेगा बीमार पड़ गया आप, आपको मेडिसिन दिया दान दिया लेकिन आज बीमारी हट गया बीमारी ख़त्म हो गया अब आप स्वस्थ होकर घर लौट के आए हैं लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि काल और परसू और ज़िंदगी में और बीमारी नहीं फैलेगा बीमारी हो सकता आज बीमारी है बीमारी ख़त्म हो गया फिर काल बीमारी आ सकता है तो ये सब जो दान है इट इज इनकॉम्प्लीट दान मैं एक आध उदाहरण दे के समझाने का कोशिश करूं और अपने आप समझने का कोशिश करूं वैष्णवों का दान गुरु वैष्णव भगवान का दान में कुछ अभाव नहीं रहता है इस बारे में हम चर्चा करते रहेंगे अब तो चलते रहेगा चर्चा किसी ने किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति ने अपना भतीजा किसी व्यक्ति ने अपना भतीजा को पूरा कुछ दान दे दिया ध्यान से सुनिएगा एक व्यक्ति बड़ा पैसा वाले हैं और भतीजे को कुछ डोनेशन दे दिया दान दे दिया भैया मर गया है भतीजा और भाई का बहू वो तो है लेकिन भैया मर गया और भतीजा ट्यूशन करके चल रहा है ट्यूशन करके चल रहा है किसी भी हालत से दिन गुजारा होता है कोई बात नहीं और मोठवे में, में एक मिदनापुर का एक मिदनापुर का एक कहानी है मिदनापुर मोठ में ये भतीजा जो है ये लड़का वो रोजाना आया करता था रोजाना एवरी डे और रोज वो मठ में आते थे सुबह के टाइम में आरती दर्शन करने का बाद मंदिर आदि साफा करके फिर घर जाते थे फिर शाम को आते थे आरती दर्शन करते थे कीर्तन हरि कथा सुनते थे एक कृष्णनगर मठ में परमय यह महाराज जी का जो हमारा गुरुजी जी है माधु एक साथ प्रतिष्ठा किया किशनगर में ग्वारी बाज़ार में यहाँ भी हमने खुद देखा एक एजुकेटेड लड़का है और रोज़ सुबह में आते थे अब पता नहीं क्या हो गया रोज़ आते थे और आके आरती दर्शन करके फिर मंदिर आदि साफा करके फिर घर जाते थे फिर शाम को आते थे ऐसा ही है बड़ा सेवा करते थे और अचानक चाचा जी भतीजा को कुछ डोनेशन दे दिया बोले बेटा एक काम कर तेरा नौकरी चाकरी नहीं मिला नौकरी चाकरी नहीं लगा है एक काम कर तू व्यापार भ्या, खोल ले किसका पान का पान बिटल लिफ पान का व्यापार खोल ले तेरा थोड़ा सा ज़मीन है थोड़ा सा तो तेरा जमीन है ही है उसमें पान का थोड़ा कर दे पान बो दे उसका बाद एक पान का व्यापार खोल गया और पान का व्यापार ऐसे तो गुरु वैष्णव का कृपा है ही है भगवान का आरती दर्शन करते थे दंडवत तो उसका तो एक रिजल्ट तो है ही है तुलसी परिक्रमा करते थे तो पान का जो व्यापार है ये जम गया बड़ा फर्स्ट क्लास हो गया पान का व्यापारी बन गया वो पान का व्यापारी करते करते पैसा भी बहुत आने लगे और मैया ने अपना बेटे का शादी कराने का व्यवस्था की बेटे का शादी करा दिया और जब पान का व्यापार जम गया तभी उसका गोड़िया मठ में आना कमती हो गया ये मिदनापुर गोड़िया मठ ये लड़का आते थे डेली लेकिन आज रोज नहीं आ पाते कभी संडे एक आध दिन सैटरडे संडे आया महाराज जी ने पूछा क्या बात है बेटा तू आना क्यों कम कर दिया क्यों बोले महाराज क्या करे हमारा पान का व्यापार जम गया आप लोगों का आशीर्वाद के द्वारा अब आने का समय नहीं मिलता क्या करूं? सैटरडे और संडे वो भी जोर जबस्ती आया इसका बाद माता जी ने बेटा का साथ शादी तैयार कर दी और शादी का बाद बेटा और भी व्यस्त हो गया क्योंकि बीवी का पीछे समय देना पड़ता है को बीबी को बीवी को समय देना पड़ता है इधर उधर ले जाना है घुमाना है और भी आना कमती कर दिया कभी एक आध दिन संडे या कोई छिट्टी का दिन एक आध बार आके महाराज जी दंडवत ऐसा करते थे ऐसे ऐसे उसका गोरियमट का साथ लगन छूट गया फिर थोड़ा दिन बाद बच्चा पैदा हुआ बच्चा पैदा होने का बाद बच्चा का देखभाल है उसका लार लार पार करना है उसका देखवारी है उसका नज़र देना पड़ता है उसका गोरियमट का साथ कनेक्शन ऑलमोस्ट रुक गया एक दिन महाराज का साथ बाजार में मार्केट में बाजार में महाराज जी के साथ भेंट हुआ महाराज जी बोला बेटा तू आना क्यों बंद कर दिया बोला महाराज क्या करे आने का तो मन करता है लेकिन समय बिल्कुल नहीं है अब व्यापार जम गया शादी हो गया बच्चा पैदा हो गया वो समय बिल्कुल नहीं मिलता क्या करूं तो मेरा कहने का मतलब है चाचा जी अकॉर्डिंग टू मेटेरियल कंसेप्शन जड़ जगत का विचार का अनुसार जड़ जगत का विचार का अनुसार चाचा जी ने जरूर दया दिखाया जड़ जगत का विचार का अनुसार चाचा जी ने जरूर दया दिखाया डोनेशन दिया लड़का का जिंदगी गुम गया लेकिन बहुत ध्यान से विचार करो ये लड़का का पैसा का कमी था ठीक है लड़का का पैसा का कमी था इतना ही लेकिन आज आज क्या हुआ इस पैसा का कमी था लेकिन ये पारमार्थों राज्यों में पारमार्थों राज्यों में महाराज जी का साथ उठना बैठना मटका प्रसाद पाना आना जाना एक लगन लगा हुआ था आज क्या हुआ ये चाचा का डोनेशन के कारण बिकॉज ऑफ द डोनेशन गिवन बाय दैट अंकल नाउ इस कनेक्शन टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गौरी तो इस किस्म का जो डोनेशन है इस किस्म का जो दान है इसको इसका क्या महत्व है ये जो डोनेशन है ये जो दान है ये जो आ, दया दिखाया ये जो दया दिखाया इसका कहाँ तक इसका कहाँ तक इसका विचार करोगे आप ये तो एक्चुअल दया नहीं है ये दो दिन का जिंदगी में ये दान है इसके द्वारा आप लोग इसके द्वारा आप लोग आनंद अनुभव करोगे अब दो दिन बाद शरीर छूट जाएगा फिर शरीर का साथ ये जड़ जगत का जितना सारे रिलेशन है ये छोड़ना ही पड़ेगा चाहे आपका इच्छा है या नहीं है आपको छोड़ना ही पड़ेगा तो ये सब दानों में ये सब दान करने वाले जो हैं कोई कपड़ा चुपड़ा दान किया अन्न वस्तु दान किया मेडिसिन दान किया या तो हॉस्पिटल खोल दिया सेवा के लिए बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया आम आदमी का सेवा के लिए ठीक है सब ठीक है ये भी दया है ये भी दया है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट सब कुछ है लेकिन इसका पीछे रहस्य क्या है माया है लेकिन महावदन अवतार महाप्रभु का दान का पीछे या तो महाप्रभु का जो भक्तों लोग हैं महाप्रभु का दान मतलब महाप्रभु का भक्तों का दान एक ही बात है महाप्रभु का जितना सारे भक्तों है ये भक्तों लोगों का कृपा दया का मतलब महाप्रभु का दया जोशो प्रसादत भगवत प्रसादो जोशो अप्रसादत नगद भी जिनके दया होने से भगवान का दया माना जाता है ये तो नियम है तो महाबदानो अवतार इसलिए बोला गया क्योंकि ये दान महाप्रभु का दान का कभी हिसाब किताब चुकाया नहीं जा सकता महाप्रभु का जो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णायु कृष्ण किस्ना चैतन्य नामने ने से ये जो महाप्रभु का दान है इसका कोई हिसाब किताब नहीं बैठेगा चैतन्य महाप्रभु का जो दान है इसका कोई हिसाब किताब बैठेगा नहीं इन्फिनिटी पीरियड अगर कोशिश करे महाप्रभु का ये दान का हिसाब किताब चुकाया नहीं जा सकता है ऐसा महाबदन अवतार है महाप्रभु और हमने पहले भी बताया श्री चैतन्य चरितम्यों का मतलब है श्री महाप्रभु हिमसेल्फ, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री चैतन्य चरितमित्व तो अलग नहीं है एक ही है जो श्री चैतन्य चरितमित्व तो है वही ही महाप्रभु जैसे जैसे सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवत जी महापुराण का बारे में बताया सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवत जी महापुराण के बारे में बताया ये भागवत जी महापुराण साक्षात कृष्ण एवही वही भागवत जी महापुराण एंड कृष्णो नॉन डिफरेंट फ्रॉम ईशाधन श्रीमद भागवत जी महापुराण साक्षात कृष्ण एवही वही और लिखा है कृष्णो परिवर्तित कृष्णो नाउ टेकिंग द फॉर्म ऑफ साउंड शब्द ब्रह्म का स्वरूप पकड़ लिया कृष्ण का एक अपना स्वरूप है अपराकृत चिन्मय स्वरूप और कृष्ण जब वाणी स्वरूप पकड़कर भागवत जी महापुराण के रूप में अवतीर्ण हुआ तो तमाल वर्णम ये जो श्लोक है ई सब तो ये जो है कृष्ण परिवर्तित हो कृष्णो शब्द ब्रह्म का रूप पकड़कर भागवत जी महाप्राण का स्वरूप पकड़ कर आए हुए ठीक ऐसा ही है श्री श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री चैतन्य चरतामितो महाप्रभु शब्द ब्रह्म का रूप पकड़कर श्री चैतन्य भागवत चैतन्य चैत्यामितों का रूप में शब्द ब्रह्म का स्वरूप में उतारे आए हैं कोली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार कलिकाल काल में हैं, नाम रूप लेकर कृष्ण जगत में आते हैं मतलब कृष्ण नाम और कृष्ण स्वरूप अलग नहीं है एक ही चीज है कृष्ण नाम और कृष्ण स्वरूप अलग नहीं है कृष्ण स्वरूप और कृष्ण नाम एक ही है एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण क्या कुछ नहीं हो सकता मैंने हैरान हो गया काल विचार किया जो भी है अक्सर ऐसा होता नहीं कभी किसी भागवत जी महापुराण में प्रिंटिंग मिस्टेक है तो तुरंत दिमाग में आता है मेरा जवान ठहर जाता है ज़रूर इधर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक ज़रूर है तो फिर ऑटोमेटिक हो जाता है भगवान का कृपा से क्या कुछ हुआ जो भी है मैंने काल बोला ये मंगलाचारण का आरंभ प्रारंभ से फिर से हम शुरू करेंगे क्षमा मांगते हुए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण क्या कुछ हो नहीं सकता तो यहाँ लिखा हुआ है कि कृष्णदास कुराज स्वयं मंगलाचारण किया मंगलाचारण का भी बहुत सारे सिस्टम हैं मंगलाचारण का मकसद क्या है मंगलाचारण का मकसद है जो जो शुभ कर्मों मंगलाचारण का पारपास क्या है मंगलाचारण का उद्देश्य ये है जो शुभ कर्मों में शुरुआत करने जा रहा हूँ उसमें कोई रुकावट पैदा ना हो कोई रुकावट पैदा ना हो इसीलिए मतलब स्मूथली विदाउट एनी हिंड्रेंस प्रॉब्लम हम अपना मकसद को पूरा कर सके इसका जैसे कि हरि कथा का हरि कथा का, का, का प्रारंभ में भी वंदना आदि ज़रूरी है कोई किताब लिखने का पहले भी मंगलाचरण होता है किताब लिखने का समय भी मंगलाचरण होता है यहाँ तक कि जीवको संध यहाँ तक यहाँ तक कि जीब जब हरिनाम जब हरिनामृत व्याकरण लिखा है हरिनामाृत व्याकरण लिखा है ये हरिनामृतो व्याकरण का अंदर में उन्होंने वंदना किया संस्कृत ग्रामर जीव कंपाइल व्हिच इज फुल ऑफ हरिनाम ऑल यू नो वन वन यू नो फॉर्मूला ऑल रिलेटेड विथ कृष्णो यू डिन नॉट वेस्ट योर टाइम बिकॉज लर्निंग समस्कृत मीन्स वेस्टेड ऑफ टाइम नॉट ऑलवेज अगर किश्नो नाम कृष्ण चिंतन के द्वारा किया जाए तो वेस्ट नहीं होता जीवो से बात ये हरिनामृतो हरिनामामृतो व्याकरण कंपाइल किया है और वहाँ वंदना भी किए हैं और वहाँ लिखा भी है नारायणोद्भुत वर्ण क्रम नारायण उद्भुत वर्ण क्रम ये जो अ आ ख जो सिलेबल है बंगाली संस्कृत में कहाँ से आया है जीव को सही बात लिख रहे हैं नारायण उद्भुत वर्ण क्रम ऑल वर्ण ओ आ क ऑल नारायण से आए हुए नारायण फ्रॉम नारायण बट एबीसीडी नॉट कमिंग फ्रॉम एबीसीडी नॉट कमिंग फ्रॉम नारायण बी केयरफुल सो संस्कृत ओ आ क ऑल नारायण नारायण उद्भुत वर्ण क्रम शुरुआत किया वर्णना भी किया है बहुत सारे यहाँ श्री चैतन्य तत्व का यहाँ श्री कृष्ण चैतन्य तत्व का सामान्य रूप पे प्रिलिमिनरी नमस्कार किया गया मैंने काल भी बोला जैसे श्री राम जी महाराज चार स्वरूप धारण करके आए हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न <laughs> भगवान श्री कृष्ण भी प्रकाश अवतार आदि विभिन्न रूप धारण करके आए हुए जगत में अवतीर्ण हुए हैं तो ये श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य तत्व का प्रिलिमिनरी सामान्य रूप में नमस्कार में मैंने काल बताया था लेकिन क्षमा मांगे कुछ ऐसा वंदे गुरुणों मैंने बोल भी दिया है वंदे गुरुणों अर्थात शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु भत्म प्रदर्शक गुरु ये सारे सांस्कृत ऐसा लैंग्वेज है थोड़ा हाई डॉट फुल स्टॉप थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो बस मीनिंग बदल जाएगा थोड़ा सा डॉट फुल स्टॉप हाई थोड़ा सा इधर उधर में मीनिंग बदल जाएगा पूरा तो वंदे गुरुनों ईशो भक्तान तो वंदे गुरुनों मैंने बताया था ये मंत्रो दाता गुरु अर्थात दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु हो सकता है शिक्षा गुरु कई हो सकता है एक नहीं लेकिन दीक्षा गुरु एक और उसका प्रदर्शक गुरु जो पहले मेरे को मेरा जिंदगी को टर्न दे दिया हु टू टेक ए टर्न राइट टर्न इज ऑल्सो गुरु ये भी गुरु है लेकिन यू कैन गो दिस वे राइट वे है बौत्म बोधेश गुरु प्रिलिमिनरी गुरु हो सकता है तो बंदे गुरु नो ईशो ईशो भक्तान ईशो भक्तो बोलने से ईश्वर एट द सेम टाइम भक्त वो कौन है शिवासादी भक्त बिंदु ईशो भक्त भक्तों का रूप पकड़ के लेकिन ईश्वरी है भगवान स्वयं शिवास आदि भक्तों का रूप पकड़ कर आए शिवानंद सेन लेकर ये सब जो है ये शक्ति तत्व तो है शिवानंद सेन बक्केश्वर पंडित स्वरूप गोसा ये शक्ति तत्व तो। लेकिन भक्तो तत्व तो का अंदर में ये आता है मैंने शिवास आदि शिवास का मापिक जितना सारे भक्त हैं सब तो फिर क्लियरली समझने का कोशिश करे कृपा करके बंदे गुरुणो हो गया ईशो भक्त्यानो अर्था शिवासादि भक्त बिंदु जो सब भक्त बिंदु है और ईशो और ईशो जो है ये ईशो से चैतन्य महाप्रभु के क्योंकि संस्कृत में यूजुअली वे नो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्पीकिंग द नेम आफ्टर दैट यू आर यूजिंग वर्ब एडजेक्टिव एवरीथिंग बर इज संस्कृत देयर इज नो सच हार्ड एंड फास्ट रूल समटाइम यू कैन फाइंड दिस भर्ब गॉन अदर लाइन इज पॉसिबल ये संभव नहीं है इसलिए वंदे गुरुनो ईश्व भक्तानो हो गया ईश्वर भक्तों शिभा फिर इसका बात, इसका ईश्वर भक्तानो ईशो ईशो मतलब साक्षात भगवान चैतन्य महापु जो लास्ट वर्ड है कृष्ण चैतन्य संगकम इसका साथ क्वालिफाई करेगा समझा ये जो ईशो ये कृष्ण चैतन्य महापुर के साथ बाद में क्वालिफाई करेगा लेकिन बीच में आ सकता है वंदे गुरुणो मीशो भक्त्यानो मीशम मीशावतार काण दैट ईशो दैट इज चैतन्य महापुर लास्ट कृष्ण चैतन्य महापौर चैतन्य संगकम दिस वर्ल्ड कैन क्वालिफाई दिस आफ्टर एंड आफ्टर दैट इसके बाद ईशा अवतार ईश अवतार ईश अवतार अद्वैत गोसाई ईश्वर का अवतार है जिसका बारे में काल हम बताया अद्वैत गोसाई के बारे में महाविष्णु जगतकर्ता माया जो सृजती अदह तस्वतार एव एम अद्वैत आचार्य ईश्वर तो ईश्व अवतार मीन अद्वैत गोसाई ठीक है अत प्रकाश तत्मीन सत् चैतन्य महाप्रभु तत्मीन वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का तत्प्रकाश अर्थात नित्यानंद प्रभु तत्प्रकाश तत्शक्ति चौमिन ओ ए एंड तो तत्प्रकाश चौमिन एंड तत्शक्ति तत्शक्ति मीन गदाधर पंडित आदि एक गदाधर पंडित शक्ति सिर्फ गदाधर पंडित शक्ति है ऐसा नहीं गदाधर पंडित को गदाधर पंडित का बारे में गदाधर पंडित के बारे में तत्व सिद्धांत तो ये हैं गदाधर इज जस्ट इक्वल टू रानी, बट पॉइंट इज दैट बाबा स्टोलन एंड बॉडी कॉम्प्लेक्शन स्टोलन फॉर दिस मच राधारानी हिट साहब अपराकित जगत में अपरागिक जगत का बारे में अगर विचार करने बैठे बी केयरफुल क्योंकि अपराकित जगत में ऐसा नियम है राधा का अंग कांति आ राधा का भाव राधा रानी का भाव कृष्ण भगवान चुरा लिया चुरा के लेके गया और गोदादर पंडित स्वयं राधा रानी है सिर्फ अपना भाव और अंगकांति कृष्ण कृष्णों को दे दिया जो कृष्ण चैतन्य रूप धारण करके आया हुआ है ठीक है तो तत्प्रकाश्च तो तो तत्शक्ति तो तो और इसके बाद कृष्ण चैतन्य संगकम और जो ईशम ईशम बोला है पहले का ये इसका साथ क्वालिफाई तो वंदे गुरूनम वंदे गुरुनम ईशो भक्त्यानम ईशो ये जो ईशो है ये कृष्ण चैतन्य संगकम इसके बाद ईसावतार ईशावतार काण अद्वैत गोसाई तत्प्रकाशंश्च अर्थात नित्यानंद प्रभु तत्प्रकाश आ तत्शक्ति गदाधर पंडित और फिर गदाधर पंडित तो साक्षात राजधार है और इसका बाद बक्केश्वर पंडित है फिर शिवानंद सेन स्वरूप गोसाई राय सब भगवान का सब शक्ति तत्व तो है इसीलिए ब्रह्म संगीता में बताया गया ब्रह्म संगीता में सुंदर बताया गया जे ये सारे जो शक्ति तत्व है भगवान का ये शक्ति तत्वों को लेकर अनोखा लीला रचा रहे है भगवान भगवान एक अनोखा लीला कर रहे हैं अपना शक्ति तत्वों का साथ आनंद चिन्मय रसो प्रतिभाविता भी जो निजूप तयाकला भी ये जो है ब्रह्म संहिता में ये अपना शक्तियों के साथ आपना ही सर्वशक्ति आपना ही सर्वशक्ति इसका साथ भगवान लीला कर रहा है बड़ा आनंद में लीला शक्ति शक्ति मत्तुर अवेद जो शक्तिमान और शक्ति का अंतर में कोई अंतर भेद नहीं ऑल इक्वल शक्ति शक्ति मथुर अवेद वेदांत सूत्रों इसका बाद मैं पुनः क्षमा मांगना चाहता हूँ छोटा सा मिस्टेक क्या कर सकता है वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदित हमने काल बोला था संस्कृत में सिंगुलर नंबर डुएल नंबर एंड प्लूरल बहु मोर देन टू बट अंग्रेजी में ऐसा नहीं एक वचन और बहुवचन आइदर सिंगुलर और प्लूरल संस्कृत बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है एक शब्द पाठ करने का साथ साथ पता चलता है यहाँ सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है क्या बताना चाहे अंग्रेजी बांग्ला हिंद बहुत नॉट साइंटिफिक लैंग्वेज ये सब लैंग्वेज है ना नॉट साइंटिफिक लैंग्वेज संस्कृत संस्कृत साइंटिफिक लैंग्वेज है और इसमें बहुत नियम है, विशेषो विशेषण विशेषो मान लो विशेष मतलब पर्सन अबाउट हुम यू लाइक टू स्पीक समथिंग विशेष विशेषण मीन यू आर स्पीक एडजेक्टिव भार व इज संस्कृत देर इज हार्मोनी इफ यू फेल टू मेंटेन हारमोनी देन ऑल योर लैंग्वेज स्कैटर्ड मीनिंग डिस्ट्रॉयड टोटली totally. होगा नहीं सो so, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो वंदे मतलब वंदना किया ठीक है इसमें श्री कृष्ण चैतन्य आ नित्यानंदो मने दिवचन ड्वेल ये दोनों मिलकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंदो दोनों मिलकर सहो उदितो सहो उदित एक साथ उदित हुआ है गौराचल में जैसे हमने काल उदाहरण दिया दार्जिलिंग में जाओ कांचन जंगा एक हिमालय का एक हिस्सा है सुबह का टाइम में हजारों हजारों आदमी टाइगर हिल में कांचन जंगा में सूर्यों का उदय सूर्य जब उदय होता है देखने के लिए सारे कैमरा लेके रेडी इतना सुंदर है तो लगता है कि हिमालय का कोने से कांचनजंगा से टाइगर हिल से ऐसे सूरज निकल रहा है ऐसा थोड़ी है ऐसा तो नहीं है ऐसा तो नहीं है तो इधर जो वर्णन किया गया गौ गौराचल में अर्थात गौर देश में ये दोनों सूरज और चंद्रमा जैसे उदित होता है सूरज पूर्व दिशा में और चंद्रमा पश्चिम दिशा में उदित होता है ऐसे ही गौ गो, गौराग महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंदो दोनों को एक साथ बोला श्री शिक, कृष्ण चैतन्य चैतन्यों नित्यानंदो सह उदितो एक साथ उदित हुआ है कहा गौरवय गौराचल पर्वत में पुष्पवंतो ये शब्दों का जेनरल लिटरल मीनिंग क्या है पुष्पवंतो माता मतलब पुष्पितो पुष्पवंतो दोनों तो है लेकिन यह मीनिंग होगा पुष्पवंतो मतलब सूरज और चंद्रमा जैसे तो आलोकित करके चारों ओर उजाला करते हुए उदित होता है ये मीनिंग इधर होगा पुष्पवंतो जिस शब्दों का लिटरल मीनिंग क्या है पुष्पवंतो ये शब्दों का लिटरल मीनिंग है कोई पुष्पितो माने फुल फ्लैज फ्रॉम दो टू फ्लावर्स बंतो दिवचन लेकिन यहाँ जो माने हैं लिटरल मीनिंग ये है लेकिन यह माने एक्चुअल मीन इनर मीनिंग है पुष्पवंतो फुल फ्लैज पूर्ण विकसित होकर चंद्रमा और सूर्यो जैसे उदित होता है आसमान में ऐसे गौरंग महाप्रभु अनितानंदो दोनों उदित होके जगत को उजाला बना दिया जगत को चारों ओर अज्ञान अंधेरा से छाया हुआ था इसको पूरा मिटा दिया अज्ञान नामक जो अंध, अंधेरा है ये अज्ञान नाम का जो अंधेरा है ये अज्ञान अंधेरा को पूरा अपना रोशनी के द्वारा पूरा मिटा दिया नो डार्कनेस एनी मोर बंदे कृष्ण चैतन्य निनंदौ सहोदितौ गौरद्त चित्त छंदौ तमो आनंद को आहलादित करने वाले चित्तौंदौ तमो नुदौ तमो मतलब अंधेरा अज्ञान को तिमिर अज्ञान अज्ञानतिमिरांधस ज्ञानांजन सला कया चक्षुर जेनो न सुग्र ये जो जैसे माने हैं ऐसे गौर नित्यानंदो उदित होकर जैसे जगत का सूरज और चंद्रमा ये जगत का मेटेरियल जगत का जो डार्कनेस है दैट दे कैन डिसमेंटल जगत का जो अंधेरा है इसको नाश करता है जगत का सूरज और चंद्रमा लेकिन हृदय का अंधेरा हृदय का अंधेरा क्या कर जगत का जो अंधेरा है डार्कनेस है सूरज और चंद्रमा हटा सकता है लेकिन हमारा हृदय का अंदर में जो अंधेरा है अज्ञान है इसको कौन हटाएगा इसका लिए गौरंग महापोध श्री कृष्ण चैतन्य अनितानंदो सहोदितो एक साथ उदित हुआ है ठीक है ना? ठीक है ना? न उदित हुआ है तम अनुदो तमो नुदो मतलब जगत का अंधेरा जैसे सूरज और चंद्रमा हटा देता है ऐसे ही अंतकरण का जो अंधेरा है इसको हटाने के लिए गौरंग महाप्रभु अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदित एक साथ उदित गया फिर काल मैंने मैंने सोचा काल पुनः एक नंबर से पहले नंबर श्लोक से फिर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि एक थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया तो उचित नहीं है तो जो भी है जदद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि ही तदपियुफा उपनिषद में इन उपनिषद उपनिषद में जिसको ब्रह्मो बोला जाता है उपनिषद में जिसका परिचय ब्रह्मो का रूप में आता है यही ए चैतन्य माप यही है अद्वैतम जो अद्वैज ज्ञान तत्व जद अद्वैतम अद्वै ज्ञान तत्व ब्रह्म उपनिषदि ब्रह्मोपनिषदि उपनिषद में ब्रह्मो का रूप में अद्वै अद्वै ज्ञान तत्व तो ब्रह्मो का रूप में जिसका परिचय है उपनिषद में ये जो ब्रह्म ज्योति है एम ब्रह्म इफाइजेंस है जद अद्वैतम अद्वै ज्ञान तत्व जो है और जिसको ब्रह्म उप ब्रह्म का रूप में उपनिषद में ब्रह्म ज्योति तदपि अश्वतुभा ये ब्रह्म ज्योति जो है ये यही प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अंग ज्योति है ये बाहर से नहीं आया है ये जो अंग ज्योति है ये महाप्रभु का ही है ये अंग ज्योति जो है ये महाप्रभु का अंग ज्योति है महाप्रभु का अंग ज्योति है तदपि तद तद भी, तनुभा तदपि ब्रह्म तो वही है और उपनिषद में जिसका ब्रह्म ज्योति ब्रह्म रूप स्वरूप तदपि अश्व तनुभा तनुभा मैंने तनु मैंने बॉडी शरीर का ज्योति तनुभा भा माने भाष्य था और य आत्मात्यामी पुरुष और हृदय का अंदर में और हृदय का अंदर में जो परमात्मा का रूप में विराजमान है य आत्मांतर्यामी जो आत्मा अंतर्यामी इज सिटिंग इन साइड हार्ड एज परमात्मा वॉचिंग एवरीथिंग वर आई एम डूइंग ये यत्मांतर्यामी पुरुष इति शो अशो अशांश विवाह ये जो है ये जो प्रभु ये प्रभु का ये अंश है शो अशांश विवाह फॉलो ये भी अंश है क्योंकि भगवान का अवतार में अंश कला बहुत सारे हैं ना बहुत सारे हैं अंश कला आदि भी डिफरेंट रूप में आ

सौर सज पूर्णो ज इो भगवान स सर ऐश्व्य पूर्णो यो भगवान स्वयमय और ये भगवान स्वयं जो है ये सर इसका नाम क्या है यही चैतन्य महाप्रभु जो सौर सज पूर्ण विभूषित है ओश्वर्य स्व समग्र ऐश्वर्य समग्रस्वीजस्व स श्रेय ज्ञान वैराग्य सर इंगना तो सर ईश्वर्यपूर्ण यो स्वयं अयं यही स्वयं अयम यही भगवान यही कृष्ण कृष्णचैतन्य महाप्रभु आर याद रखना न चैतन्यात कृष्ण जगति परतत्व तत्त्व परमियों ट्राई टू रिमेम्बर द श्री कृष्ण चैतन्य तत्व इज द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ परतत्व परतत्व का अल्टीमेट लिमिट श्री कृष्ण चैतन्य अल्टीमेट लिमिट का मतलब ये नहीं है कि या एंड पॉइंट ये तत्व तो तो एक्सट्रीम क्योंकि अपरागिक जगत में लिमिटेशन लिमिटेड आइडिया नॉट गुड नॉट इफेक्टिव अफ्राक जगत में कवि लिमिटेड कंसेप्शन सुड नॉट बी धिया ऑल इज अनलिटेड स so, जदिता ब्रह्मोपनिषदि तदपिशतुभा यमरियामी या पुरष इतेशनो यो भगवान् स्वयं न चैतनिया कृष्णा जगति पर तत्व पर हमी यहाँ तक चर्चा किया सामान्य वंदना मंगलाचरण का प्रीलिमिनरी स्टेज मंगलाचारण का प्रिलिमिनरी स्टेज खत्म हो गया मंगलाचरण का प्रिलिमिनरी स्टेज ना हो इट्स ओके इसके बाद न जाने क्यों कृष्णनाथ कबिराज गोस्वामी जी ने रूपो गोसाई पाद का लिखा गया वंदना को उठा के ले आए कहां से विदग्ध माधव तो so से आउट ऑफ एक्सट्रीम हार्बल एटिच्यूड कृष्णदास कृष्णदास थॉट इट कोबीरदास टू डिपेंड अपॉन रूपू गोसाई नॉट टू डिपेंड इट्स फॉल्सिगो टू डिपेंड अपॉन मीज फॉल्सिगो सो बेटर वाई नाइ टाई आई डिपेंड अपॉन रूपू गोसाई सो इट इज गुड महाजन ही इज माई गुरु ही राइटिंग आई कैन वेरी हम सो इसीलिए जो बंदना है तेक बार, तेक बार। <laughs> तो पिलिमिनरी जो मंगलाचरण है पिलिमिनरी मंगलाचरण यहां समाप्त हो गया और यहां से आशीर्वाद और गौर अवदार का ए एक्सटर्नल रीजन फॉर वाई गौरांगो केम एक तो आशीर्वाद मांगने के लिए और गौर अवतार का प्रिलिमिनरी एक्सटर्नल रीजन इसका जो औदार जो विग्रह इसका बारे में महाबादानो गौरा महापौ का अतुल अवदान का बारे में कृष्णदास कबीराज गोस्वामी ने तैयार किया अगर मैं अपना तरफ से कुछ बोलने जाऊं आशीर्वाद मैं कौन मैं मेरा कोई बड़ा ये अभिमान है इसलिए जो महापुरुष लोग हैं दोज आर एग्जाल्टेड डिबोट दे आर ऑलवेज वेरी हम्बल सो हम्बल द थिंग आई एम नथिंग तो कृष्णदास कुबीराज गोस्वामी यद्यपि काल हमने प्रमाण किया कृष्णदास कुबीराज गोस्वामी कोई मामूली आदमी नहीं है कृष्णदास कुराज गोस्वामी श्रीमती राधारानी का सहेली है प्रियण सखी फिर भी आउट ऑफ हम्बल एटीट्यूड सो थी वाट आई कैन सो इट्स इट्स प्रैक्टिकल टू डिपेंड अपॉन रूप गोस्वामी पर वाई नॉट आई दिस दिसोक सो कृष्णदास कुराज गोस्वामी जी ने विदग्ध माधव से एक श्लोक उठाया रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया ये श्लोक को उठाकर ये महाप्रभु का महावदन्न भाव का अतुल दान अतुल जो अवदान है इसका प्रमाण करने के लिए और आशीर्वाद मांगने के लिए ये श्लोक को उच्चारण किया जो काल यहाँ तक मैंने उच्चारण किया था फिर भी पीछे चला गया क्योंकि आई वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड तो अनर्पित चरिंग अनर्पित चरिंग चिरा तो करुणा समर्पित उन्नत उज्ज्वल पहले दो लाइन को विचार करे अनर्पित चरिंग बहुत बहुत दिनों में यह दिया नहीं गया था अनर्पित चरिंग चिराता बहुत दिन याद नहीं है ऐसा मापिक अवदान ऐसा मापिक अवदान ऐसा मापिक जो डोनेशन जो बेनिडिक्शन ये कभी भी पहले देखा नहीं गया तो अनर्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो करुणा के मारे करुणा के लिए पिघल गया महाप्रभु का हृदय पिघल गया करुणा के द्वारा और कलो ये अवतीर्ण होके कलो करुणाया अवतीर्ण करुणाया अवतीर्ण हाँ कलु कलिकाल में ऊपर से हृदय मेल्ट हो गया इसलिए ऊपर से उतर आया किसलिए तुम उन्नत उज्जवल रसाम जो काल मैंने विचार किया था जो मेट्रियल जगत ये मेटेरियल जगत और अपराजित जगत सब रस के अलावा किसका स्टेबिलिटी नहीं है सब रस का पीछे दौड़ रहा है देर इज नो रस देन इन नो मेटेरियल वर्ल्ड रस मस्ट बी देर ड्यू टू रस यू फाइंड सम एक्सटर्नल स्टेबिलिटी दो इट इज नॉट स्टेबिलिटी बा व्हाट एवर यू आर वॉचिंग स्टेबिलिटी ड्यू टू रस नो रस मादर कैन नॉट लव सन सन कैन नॉट लव समर

They are actually running out of what interest that is called secret ras. Some or other, what is not ras for you, that is ras for me. What is what is ras for me? It is not ras for you. Follow. What is ras for tiger? It is not ras for me. I don't like to take you know blood. It says tiger is feeling rush there. A pig. बोर फीलिंग रस बाई ईटिंग स्टूल सो रसोमस्पिधिया एंड होल वर्ल्ड इज कंट्रोल बाई रस पूरा जगत रस का पीछे दौड़ रहा है पूरा जो जगत है ये सारे रस का पीछे दौड़ रहा है बी केयरफुल इसका बारे में उप इसका बारे में उपनिषद में जगह जगह भागवत गीता में भी हर जगह लिखित है भागवत में भी है सो so, अनर्पित चरिंग चिरा तो करुणा अवतीर्ण कल किसलिए आए हैं समर्पित उन्नत उज्जवल रसम रस कैन भी कैटेगोराइज देर कैटेगोरी अलग एक है मेटेरियल रस एक है अपराकृत रस रस दो किस्म का है एक है ये मेटेरियल जगत का रस ये भी एक रस और अप्राकृतिक जगत का रस है दो किस्म का और प्राकृत और अप्राकृत रस का रस का अंदर में बहुत सारे सेग्रीगेशन है मेटेरियल लॉस में बहुत सेग्रीगेशन मेटेरियल लॉस एक किस्म का नहीं है मटेरियल लॉस का अंदर में बहुत सारा सेग्रीगेशन है अपराकी जगत का रस में भी बहुत सारे सेग्रीगेशन है तो समर्पयतु उन्नत उज्जवल रसाम और इसका बाद सभक्ति श्रीयम पहले समर्पयतु मैंने देने के लिए आए हुए हैं उन्नत उज्ज्वल रसाम उन्नत उज्ज्वल रसम अन्म उन्नत उज्जवल रस एकमात्र अवेलेबल इनसाइड ब्रजधाम नॉट ओनली इन साइड बड़ोधाम बट इट इज कन्फाइंड विद इन सम ग्रुप हर जगह उन्नत उज्ज्वल रस उन्नतोज्ज्वल रस उन्नतो सोर्स ऑफ उन्नत उज्ज्वल से इज द ब्रजोधधाम बट नॉट एवरीवेयर इन द ग्रुप्स ऑफ गोपिकास उन्नत उज्जवल फिर इस बीच में श्रीमती राधारानी इज द टॉस मोस्ट इसलिए ऊर्जाव्रत ये जो दामोदर व्रत हो राधा रानी का इसका नाम ऊर्जाव्रत उजेश्वरी राधारानी महाभाव स्वरूपिणी महाभाव रेयर मोदन मादन ये ओनली अवेलेबल इन रानी मोदन मादन बड़ा ट्रिमेंडास इनकॉन्सिबल इवन ह्यूमैन ब्रेन कैन नॉट रीच अप टू दैट पॉइंट यू कैन नॉट इमेजिन हाउ यू कैन कैलकुलेट मोदन मादन ई रानी श्रीमती रानी इवन नो सखी कैन गेट ओनली राधा नेक्स्ट सारी आई कैन डिस्कस डेंजरस सिचुएशन महाप्रभु टाइम टू टाइम डेवलपिंग अलग अलग किस्म का इतना सारे भाव हैं ये चिंता का बाहर है तो समर्पय तु जल रसाम शबक श्रीयाम ये जल रस एकमात्र वृंदावन का अंतर प्रकृष्ठ में ब्रजधाम में गोपियों का अंदर में कन्फाइंड है और वो भी श्रीमती राधारानी टॉपमोस्ट है फॉलो सो समर्पय तुम उन धाम में कृष्णों का साथ जो लव एफियर है किसका साथ रुक्णी शप इट इज नॉट उन्नतो जल रस इट इज नॉट इट इज लव ओके मधुर रस बट नॉट उन्नत ओ जल रस फॉलो हिंदी यू अंडरस्टैंड हिंदी पुलिस <laughs> सो so, ये जो रुक्किी का साथ सत्व भामा का साथ प्यार है भगवान श्री कृष्ण तो प्यार का रिश्ता है इट इज नॉट उन्नतोज्वल इट इज मधुर बट शौकिया हैज सम्रिक्शन बट इन साइड ब्रजोधाम वृंदावन या यहाँ जो है ये उन्नतोज्ज्वल रस पर किया भाव ये मेटेरियल ब्रेन जड़ बुद्धि लेकर इसमें प्रवेश अधिकार नहीं है विथ दिस मेटेरियल ब्रेन वी कैन नॉट गेट एनी एक्सेस इन टू इट इम्पॉसिबल तो समर्पय तुम उन्न तोज्वल रसाम सभक्तिश्रेयम इसका बाद बोला जे स्वभक्तिन दिस भक्ति इज टोटली इनसाइड भगवान भगवान स्वभक्तिश्रेयम I can discuss this point after taking sannyas, Mahaprabhu shouting Krishna, Krishna, Krishna. After that, one time Chaitanya suddenly, suddenly, suddenly speaking, what is the use of taking sannyas? A prema is my own property. What? Mahaprabhu is speaking this. By chance, I can explain this point.

নিজ ভজন মুদ্রা মুদিষন সচৈতন্য কিং মে পুনর্বিধি স্পতি পদম সভক্তব্য শুদ্ধ্যা এমং উন উনপরিকরণ বক্তা সভক্তব্য শুদ্ধ্যাং নিজ ভজন মুদ্রা দ গেস্টার ইন্ডিকেশন আর সাম ইন্ডিকেশন অ্যবাউট এক্সট্রিমলি পিওর বাক্তি महाप्रभु बाई टेकिंग संन्यास प्लेइंग ड्रामा डिफरेंट काइंड ऑफ ईच एंड एवरी महाप्रभु लुकिंग स्पीकिंग वट एवर महापुर ऑल रिलेटेड टू दिस बातन्य महाप्रभु का औष्टकम में उधार जो बंदना है स्त्रोत्र है इसमें स्वभक्तव्य शुद्ध्याम निज भजन मुद्रम उपदिशन अपना ही अपना ही भजन का सिक्रेसी जो अंदर में है ये सिखाने के लिए देने के लिए स्वभक्तव्य शुद्ध्याम निज भजनम उपदिशन टू एडवाइस अबाउट ऑल द सिक्रेसी रिलेटिंग टू चेतन स्वभक्तभ्यो शुद्ध्याम निज भजन मुद्राम उपदिशन

You have seen the Chaitanya Mahaprabhu uh, uh, our Chaitanya Vigra? Like, and uh, like, like ball. Tennis ball. Uh, tennis ball. And all you know tennis ball round like and uh, white, totally white. And after that you can find some stick. Spice. Spice. Very. It's called Kadamba. Kadamba bhiksha is very dear to Krishna. कृष्ण ऑलवेज लाइक कदंबा भिक्षा माधवी मालती कदंब वेरी फेवरेबल तो ये जो महाप्रभु है महाप्रभजा महाप्रभुजा मा, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है सुवर्ण वर्ण गोल्डेन गोल्डन अवतार हरि ही पुरटो सुंदर दुतिकित तो। सुंदर दुदी कदम्ब संपित And always, due to different sensation, Baba, Prabhu, all the hair tips stand. Like Kadamba. You have, you have seen jackfruit? You have seen jackfruit? Mahaprabhu's body, out of extreme sensation, Baba, sometimes, big, like jackfruit outside. All body. Inconceivable.

आप लोगों का हृदय में प्रकाशित हो जाए लेट गोल्डन अवतार अपियर इन साइड यूर हार्ट इट इज वन ब्लेसिंग राइट कम सौ अन चिरात करज्ज्वल राम सभक्ति हरि पुरट सुंदर दुदी कदम संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुर ब बचिन ब मैने जुस्माक हृदय स्फुरतु इन साइड ऑल योर हार्ट इन साइड ऑल योर हार्ट ऑलवेज दिस मोल गोल्डन अवतार एफियर यू कैन सी सो हरि पुरट सुंदर दुदी कंद कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे आवर हार्ट हम हमलो का हार्ट एक गुफा का साथ तुलना किया गया गुफा मीन केव आवर हार्ट इज कंपेयर्ड विथ वन केव इन साइड केव सम बीस्ट सो हृदय हृदय आवर हार्ट इज वन काइंड ऑफ केव केव हृदय कंदर ए स्फूर्तुबा श्री सचिनंदन ठीक है ये ए पहले हमने बोला प्रलिमिनरी प्रलिमिनरी मंगलाचरण पहले बोला प्रारंभिक मंगलाचरण प्रारंभिक मंगलाचरण के बाद आशीर्वाद और गौर अवतार का मुख्य कारण ये महाबदान्य अवतार का औदार्य विग्रह महाबदान्य गौर का ईद अतुल अवदान का बारे में और आशीर्वाद देने के लिए जगतवासी को आशीर्वाद देने के लिए ये श्लोक अनर्पित चरिंगरात करुण अवतीर्ण कलौ समर्पित मुन्नत उज्ज्वल सा सभक्ति श्रेय हरि पुरट सुंदरद्वती कदम संदीपिता सदा हृदय कंदरेश स्फुतु सचिनंदन फॉलो आफ्टर दैट इसके बाद ये तो रूप गोसाई पाद का एक श्लोक को उठाया ये तो रूप गोसाई पाद का विदग्ध माधव का श्लोक उठाकर बताया इसके बाद कृष्णदास कोविराज गोस्वामी स्वरूप गोसाई का कर्चा द नोट ऑफ स्वरूप गोसाई फ्रॉम देस कोटिंग हाउ हम्बल ही कुड राइट सो मेनी थिंग सो ग्रेट एग्जाल्टेड राधा रानी ऑलवेज इज बट सी आउट ऑफ हम्बल आउट ऑफ हम्बलनेस गेन स्पीकिंग गोइन टू कोट स्वरूप गोसाईन स्वरूप गोसाई का कर्चा से उठाया इसका व्याख्या काल हो पाएगा आज नहीं हो पाएगा दो श्लोक को हम उच्चारण करेंगे आई कैन रिसाइड एंड स्टॉफियर एक्सक्यूज मी ये है राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्तिरस्माद एकात्मन भूवि पुरा दे गो तो, चैतनयाख्यम प्रकटमधुना चैक्यप्त राधा भावूतिवलिम नौमी कृष्ण वन एंड द ए है एक दूसरा क्या है श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो वनिवा स्वादेनाभुत मधुरीमा कदृशो वमुदीय सोक्ष मदन भवत কীদৃশ বেতি সিন্ধু তচিগর্ধু হরিদ অল আই ক্যান এসপ্লেন টুমোরো টুডে নমো মহাবনা কৃষ্ণ প্রেম প্রদায় কৃষ্ণা কৃষ্ণ চৈতন্য না গৌর্তিষে নম বাঞ্ছকা সিদ্ধ